नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीबीआई ने आज राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। आज सीबीआई ने कोलकाता में तृणमूल यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विनय मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी। ये छापेमारी मवेशी तस्करी घोटाले को लेकर की गई। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की ओर से लगातार विनय मिश्रा को नोटिस दिया गया था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। विनय मिश्रा को तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। अभिषेक बनर्जी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। गुरुवार को सीबीआई की टीम कोलकाता में विनय मिश्रा के ठिकानों पर पहुंची। दो ठिकानों पर मवेशी घोटाले और एक जगह पर कोयला चोरी मामले में रेड मारी गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कोलकाता में विनय मिश्रा के अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी हो सकती है। सीबीआई के सेक्शन के बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का रिएक्शन भी सामने आया है। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया कि बंगाल के एक पावर ब्रोकर विनय मिश्रा के यहां सीबीआई के छापे के बाद बंगाल के उच्च अधिकारियों की आपातकालीन बैठक और मुख्यमंत्री एवं भाइयों के यहां हलचल प्रदेश में चर्चा का विषय है। गौरतलब है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर लंबे वक्त से मवेशियों की तस्करी की बातें सामने आई थी, जिसमें स्थानीय अफसरों नेताओं के शामिल होने की बात कही गई थी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। कुछ वक्त पहले ही इसी केस में सीबीआई ने बीएसएफ के कई अफसरों को समन किया था और उनसे पूछताछ की थी, लेकिन इस बीच अब टीवाईसी नेता को यानी कि विनय मिश्रा को अब नोटिस जारी किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।